माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री संदीप जी, महानिदेशक श्रीमान विजय किरण आनंद जी, माननीय सचिव विश्व शिक्षा विभाग श्री प्रताप सिंह बघेल जी, आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। महोदय, मैं गौरव पांडे विश्व शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। महोदय, सन 2018 में जब शिक्षक भर्ती हुई तो उस समय हमारी नियुक्ति गृह जनपद से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर हुई। महोदय, माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार एक बार जिला आवंटन सन 2022 में हुआ, परंतु जो शिक्षिकाएं याची बने थे उन्हीं को इसका लाभ दिया गया। उस समय इस बात की जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी कि हमें याची बनना है। महोदय, ये जानकारी का अभाव और ये भूल और ये गणता हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल रहेगी। महोदय, पुनः हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने सचिव महोदय को इस बात पर विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। महोदय, अब हमारे जीवन का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। महोदय, अपने पति से दूर, अपने पिता से दूर, भाई एवं 2, 3, 4, 5 साल के नन्हे मुन्ने बच्चों से दूर रह रही शिक्षिकाओं की पुकार सुनिए। उन बूढ़े मां बाप की करुण पुकार सुनिए जिनके अंधे की लाठी उनके बच्चे उनसे 400-500 किलोमीटर दूर है। महोदय, आपका एक हस्ताक्षर, महोदय आपकी एक हां उन सैकड़ों लोगों के जीवन में खुशी भर देगी। महोदय, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गलती हुई है, उसको सुधारने का एक मौका दीजिए। महोदय, उस बूढ़ी मां पर और उस बूढ़े बाप पर तरस खाइए जो बीमारी में अपने पुत्र की राह देख रहे हैं कि हमें दवाई की पुड़िया देते। उस पत्नी और बच्चों की तरफ देखिए और उनकी भावनाओं को समझिए जो अपने पिता से, अपने पति से 500 से 700 किलोमीटर दूर है। महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों पर कृपा करें और 8949 केस नंबर हिना इस्लाम एवं अन्य में हम सब याचियों को पुनः जिला आवंटित कीजिए। महोदय, हमसे कम मेरिट पर सभी श्रेणी के साथी गृह जनपद में तैनात हैं। अधिक मेरिट होते हुए भी हम लोग अपने गृह जनपद से 600 से 700 किलोमीटर दूर नियुक्ति दिया गया, यह कहां तक न्यायोचित है? 68500 की जो भर्ती हुई, महोदय उस भर्ती में शुरुआत से लेकर अब तक लोग कोर्ट जाते रहे, वहां से आदेश लाते रहे और गृह जनपद जाते रहे। महोदय, इस भर्ती में जो याची लाभ सन 2020 में दिया गया उसमें भी हमसे कम मेरिट पर जो याचीगढ़ थे, सामान्य श्रेणी के, चाहे ओबीसी श्रेणी के, चाहे किसी भी श्रेणी के, वो लोग गृह जनपद पा चुके हैं। इस भर्ती में सेकेंड लिस्ट जो निकाली गई उसमें भी सभी श्रेणी के लोग जो हमसे कम मेरिट के थे वो लोग भी गृह जनपद में नियुक्ति पा चुके हैं। महोदय, हमारे साथ ये अन्याय क्यों? कृपया इस पर विचार करें और सचिव महोदय को निर्देशित करें कि शीघ्र इस सेशन के अंत तक हम लोगों को गृह जनपद का आदेश दे दें ताकि नई शिक्षक भर्ती जो आए उसके लिए रिक्त जो रिक्तियां होंगी वो बिल्कुल न्यायोचित रहे। महोदय, विचार करिए, हमारी भावनाओं को समझिए। हम भी इस देश की सेवा करना चाहते हैं, हम भी बच्चों को
पूर्ण मनोयोग से पढ़ाना चाहते हैं, हमारे अंदर जो भी काबिलियत है हम उससे कहीं अधिक अपने बच्चों को, अपने शिक्षार्थियों को, सभी को देना चाहते हैं, परंतु हमारा मन कहीं और, हमारा दिल कहीं और, हमारा हृदय कहीं और शरीर कहीं और, ये स्थिति भयावह है। महोदय करबद्ध निवेदन, पुनः जिला आवंटन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आदेश की प्रतीक्षा में, आपके निर्देश की प्रतीक्षा में गौरव पांडे, अविनाश चौहान और हिना इस्लाम एवं अन्य सभी अचीगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।